आज मैं बनाने जा रही हूँ कढ़ी और बड़ी। ये बेसन से बनते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने 1 बाउल बेसन लिया है और 1 बाउल दही लिया है। दही खट्टी है इसलिए मैंने 1 बाउल लिया है। अब मैं बेसन को हाफ कर लूँगी। आधा बेसन मैं पकौड़ी बना लूँगी और आधे का मैं घोल बना करके कढ़ी बनाऊँगी। मैं इसमें लाल मिर्च, हल्दी और नमक डाल दूँगी। इसको मैं मिला लूँगी और इसका घोल तैयार करूँगी। थोड़ा थोड़ा पानी करके डालेंगे, नहीं तो इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी। इसको बराबर चलाएंगे और एक अच्छा सा बैटर तैयार कर लेंगे। पकौड़ी का बैटर तैयार हो गया। अब मैं इसे ढक करके एक साइड रख देती हूँ। मैंने एक बॉल लिया है, आधे बेसन को मैं इसमें डाल दूँगी और इसका घोल तैयार करूँगी। उसमें मैं 1 बाउल दही डाल दिया। दही खट्टी है इसलिए मैंने 1 बाउल लिया है। दही नॉर्मल हो तो मैं 2 बाउल लूँगी, मेरी दही खट्टी है। अब मैं दही और बेसन को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। देखिए अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, बिल्कुल स्मूथली। अब मैं इसमें पानी डालूँगी। मैं इसमें 4.5 गिलास पानी डालूँगी। 1/2 बाउल बेसन में 4.5 गिलास पानी पड़ेगा। 2 मैंने डाल दिया, तीसरा भी डाल दिया। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। 1 गिलास पानी मैं बाद में डालूँगी। अब मैं इसमें 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून लाल मिर्च डाल करके इसको अच्छी तरह से मिला लूँगी। नमक मैं बाद में डालूँगी। बेसन का घोल तैयार हो गया, मैं इसे एक साइड रख देती हूँ। अब मैं बड़ी वाले बेसन के घोल को चेक करती हूँ। देखिए अच्छी तरह से फूल गया है और इसका क्वांटिटी भी ज़्यादा हो गया है, बिल्कुल परफेक्ट तैयार है। चलिए अब मैं इसकी बड़ी बनाऊँगी। अब मैं बड़ी को चेक कर लेती हूँ। बड़ी उठ गई, हल्की हो गई है। मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है, उसमें ऑयल डाल दिया है। ऑयल गर्म हो गया है, मैं चारों तरफ फैला देती हूँ। अब बड़ी को डालूँगी। पहले एक छोटा सा बड़ी डाल करके मैं उसको चेक करती हूँ। बड़ी तैयार है, अब मैं इसमें बड़ियाँ डालूँगी। एक एक करके मैं बड़ी को डालूँगी। पहले थोड़ा बनाऊँगी, 7 से 8 बड़ियाँ को मैं बना लूँगी। देखिए चारों तरफ बड़ी मैंने डाल दी, उसमें छेद हो गए हैं। ये परफेक्ट है, ये कढ़ी में जब जाएंगी तो इसमें पूरी कढ़ी भर जाएगी और खाने में बहुत अच्छा लगेगा। मैंने इसको पलट दिया, अब इसको अच्छी तरह से चला लेंगे। बड़ी को अच्छी तरह से तल के तैयार कर लिया है, अब इसको मैं निकाल लूँगी। अच्छी तरह से पक गया है। अब मैं बची हुई बड़ियों को भी बना लूँगी। मैंने कढ़ाई में बड़ियाँ डाल दी हैं, अब मैं इसे पलट दूँगी। ये भी तैयार हो गया, अब इसको भी मैं निकाल लेती हूँ। बड़ी बनके तैयार है। कढ़ी के लिए मैंने कढ़ाई में 1 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया है। 1/4 टी स्पून हींग, 1/4 मेथी, 1/4 जीरा, 2 लाल मिर्च, 1/4 अजवाइन और 1/4 धनिया। सभी को मैं इसमें डाल दूँगी। सबसे पहले मैं हींग को थोड़ा जला लूँगी, इसमें खुशबू आ जाए। अब मैं सारे मसाले को डाल दूँगी। मसाले को मैं मिला लूँगी। अब मैं इसमें 1/2 टी स्पून लहसुन डाल दूँगी और इसको अच्छी तरह से सभी मसाले को पका लूँगी। मसाला चिटकने लगे, मसाले का कलर चेंज हो जाए, फिर मैं इसमें कढ़ी के घोल को डाल दूँगी। मैंने 3 गिलास इसमें पानी डाला है, 1 गिलास और डालूँगी मैं। इस बर्तन में जितने भी बेसन लगे हैं उसको मिला करके मैं इसको डाल दूँगी। ऊपर से 1/2 गिलास पानी में और डालूँगी। इसको पहले मिला लेते हैं, नहीं तो ये नीचे से पकड़ने लगेगा। 1/2 गिलास पानी में और डाल दूँगी और कढ़ी को बराबर चलाते रहेंगे। हर 2 मिनट पे कढ़ी को मैं लगातार चलाते रहूँगी जब तक इसमें उबाल ना आ जाए।
कढ़ी में अच्छी तरह से उबाल आ गया। देखिए कढ़ी अच्छी तरह से उबल रही है। अब मैं इसमें नमक डाल दूँगी, 1.5 टीस्पून मैं इसमें नमक डालूँगी और इसे चला दूँगी। अब मैं इसमें बड़ियों को डाल दूँगी, एक एक करके मैं सारी बड़ी को डाल दूँगी और इसे अच्छी तरह मिला लेंगे। कढ़ी उबलने लगा, पकौड़ी भी उबल रही है। अब मैं इसे धीमी आंच पे 10 मिनट के लिए बॉईल करूँगी। 10 मिनट हो गए, अब मैं इसे चेक करती हूँ। देखिए कढ़ी अच्छी तरह से उबल रही है और इसे फिर बराबर मिला देते हैं। कढ़ी को आप जितना उबालोगे उतनी अच्छी कढ़ी बनती है। देखिए कढ़ी तैयार हो गया है, थोड़ा बहुत इसमें कसर रह गया है। मैं इसे 2 मिनट के लिए और ढक दूँगी। देखिए बड़ी भी तैयार है। अब कढ़ी बड़ी बन के तैयार है, चेक करते हैं। देखिए कढ़ी और बड़ी बन के तैयार है। अब इसमें तड़का लगाएंगे। मैंने गैस पे तड़का वाली स्पून रख दी है। अब मैं उसमें 1 टीस्पून देसी घी, चुटकी भर हींग, 1/2 टीस्पून जीरा और 1 लाल मिर्च डालूँगी और इसको मैं गुलाबी करने तक भूनूँगी। तड़का तैयार हो गया है। अब मैं इसे कढ़ी के ऊपर डाल दूँगी। तड़के को मैंने कढ़ी के ऊपर डाल दिए। देखिए कितना अच्छा तैयार हुआ है। आइए अब मैं चेक करती हूँ पकौड़ी कितनी सॉफ्ट है, स्पॉन्जी बनी है। देखिए कितना सॉफ्ट है, बिल्कुल रुई की तरह है। अब मैं हाथ से भी आपको चेक करके दिखाती हूँ। देखिए बिल्कुल सॉफ्ट। कढ़ी और बड़ी बन के तैयार है। मेरे तरीके से बनाइए, पसंद आए लाइक्स एंड कमेंट्स कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।